मुबैना धांधली पर इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना। शहरी अली खान अदालत में पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अली खान कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा दस्तावेजात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार दोहा से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर बहरीन गया। अजीब आदमी है, सस्ता होने के बायस लोग रिटर्न टिकट लेते हैं। उन्होंने वन वे टिकट लिया। लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। हुकूमत साजी के लिए डेडलॉक खत्म, मामला तय पा गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक्तदार के फार्मूले पर इत्तफाक हो गया। शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। पंजाब और केपी में पीपल्स पार्टी के गवर्नर लगेंगे। सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर हाउस में नून लीग डेरे लगाएगी। जरा के मुताबिक बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी आधी आधी मुद्दत के लिए सूबे में हुकूमत बनाएंगे। बताते हुए खुशी महसूस होती है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा। हमारी जस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मेले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको काम करें। आजाद उम्मीदवारों के पास अक्सरियत नहीं, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा, कहते हैं हम वजीर आजम और अपना सदर मुंतखब कराएंगे। एमकेएम, आईपीपी, काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातें वोट देंगी। हम मिलकर कौम को महंगाई और मौशी चैलेंजेस से निकालेंगे। हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से बचाकर पांव पर खड़ा करना है। बिलावल भुट्टो बोले हुकूमत साजी में कोई ताखीर नहीं हुई, अभी मुआयदा तय हुआ, जल्द ही तमाम चीजें अवाम के सामने लाएंगे। आसिफ सरदारी ने कहा हमारी जस्तजू सिर्फ पाकिस्तान के आवाम है, हमने आने वाली नस्लों के लिए इत्तेहाद किया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास आज सरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में शराकत इक्तदार का मुआहिदा। स्टॉक मार्केट में तेजी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1075 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 61,500 पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता हो गया। इख्तियारात से तजावुज के केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद से कहा आपने एमपीओस के 69 ऑर्डर जारी किए, क्या उनके माँ बाप नहीं थे? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? यह आपका बहुत अहमकाना इकदाम था और आप इसके नतायज भुगतेंगे। डीसी इस्लामाबाद के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने दलाल देते हुए कहा शहरयार अफरीदी जेल में होते हुए एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रहे थे। जस्टिस बाबर सत्तार बोले अदालती ऑब्जर्वेशन के बावजूद एक तरह की सोर्स रिपोर्ट पर मजीद एमपीओ ऑर्डर जारी किए गए, आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाएंगे। एसएसपी जमील जफर ने भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से माफी मांग ली। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत, पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा की अदालत में बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस ने रोस्टरम से हटने की हिदायत कर दी, कहा आप केस में दरख्वास्त गुजार और वकील भी नहीं। शौकत बसरा ने कहा मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, केस में कुछ कहना चाहता हूँ, हाईकोर्ट का वकील भी हूँ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया मुबारक हो, आप तशरीफ रखें, आप अभी यहाँ तकरीर न करें, इस केस से आपका कोई ताल्लुक नहीं, हमने पाकिस्तान में इखलाक छोड़ दिया है, मुझे कोई ये साजिश लगती है।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकाती रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आरोज के बयानात कलमबंद कर लिए। बयानात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया गया। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के कौमी और सूबाई असम्बलियों के आरोज के बयानात रिकॉर्ड किए गए। पैमरा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी इलेक्शन कमीशन को दिया। मरकज के बाद पंजाब में हुकूमत साजी का मामला, नून लीग आज पार्लिमानी इजलास में मामला तय करेगी। मरियम नवाज पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगी। सूबे में किस तरह काम होगा, नामजद वजीर आला अपनी तरजीहात बताएंगी। 2 बजे जाती उम्र में इजलास के लिए तैयारियां। पंजाब असम्बली के पहले इजलास और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब की हिकमत अमली भी तय होगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना जारी। 4 जमाती इत्तेहाद का फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नतायज जारी करने का मुतालबा। अमरीका ने नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इंतखाबात में मुदाखलत या धांधली की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात पाकिस्तानी कानून और तरीक़ेकार के मुताबिक की जाए। जब मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पढ़ना चाहते। वादी अलीपा में बर्फबारी का सिलसिला 4 रोज से जारी। दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से लीपा रेशियाँ मोजीशेर गली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। बिजली, इंटरनेट, मोबाइल और टेलीफोन सर्विस भी मुतासर। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। वादी अलीपा के पहाड़ों पर 8 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी। दूसरी तरफ पाक फौज बर्फ में फंसे मुसाफिरों की मदद को आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 1000 से ज़ायद मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी भी जारी। HPL PSL 9 के दिलचस्प मुकाबले इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में पिशावर जलमी और कराची किंग्स लाहौर में मदे मुकाबले होंगे। दूसरा मुकाबला लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मुल्तान में होगा। 9वें एडिशन के 6ठे मैच में बाबर आजम और शान मसूद की टीमें टकराएंगी। 7वें मुकाबले में शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान की टीमें आमने सामने होंगी। HBL PSL में गुज़श्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल दूसरी फतह, इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनी खेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने 145 रन्स का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रिजा हेंड्रिक्स 58 और कप्तान मोहम्मद रिजवान 43 रन्स बनाकर नुमाया रहे। साबिक वजीर दाखला का नाम ECL में शामिल क्यों किया, लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तहरीरी जवाब मांग लिया। वजारत दाखला को नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत से 28 फरवरी को जवाब तलब। जस्टिस सदाकत अली ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। शेख रशीद ने कहा, मेरा नाम सियासी इंतकाम के तौर पर लिस्ट में शामिल किया गया। सिंध हाई कोर्ट का फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर काबिले एतराज मवाद हटाने का हुक्म। अदालत ने 13 मार्च को अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद काबिले एतराज मवाद ब्लॉक या हटाकर रिपोर्ट पेश की जाए। अद्वियात की कीमतों के तायुन का नोटिफिकेशन, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मतन में लिखा, हुकूमत कीमत मुकर्र करने का सेक्शन ड्रग एक्ट से निकाल रही है। नोटिफिकेशन के बाद अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। इसराइल गजा में ज़िंदगी के आसार मिटाने पर तुल गया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वहशियाना बमबारी जारी।
अमरीका फिर सलामती काउंसिल में इसराइल का हामी बन गया। गजा में जंग बंदी के हक में अलजजायर की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल के 15 में से 13 अरकान ने हक में वोट दिया। बरतानिया करारदाद पर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहा। जंगी जुनून में मुबतला इसराइली वजीर आजम ने हमास की शरायत मानने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने कहा अंदरूनी और बैरूनी दबाव है कि अपने मकासद हासिल किए बिना ही ये जंग खत्म करें, लेकिन यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास की शरायत नहीं मान सकते। उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शिमाली गजा में फलस्तीनियों के लिए खुराक की फराहमी रोक दी। But we also have to expect Israel to do everything. Israel is not defending itself. It's a genocide that you're paying for. And then you talk about women's rights? Are you serious? What women's rights are you talking about? I've been responsible for the killing of hundreds of Pakistanis. Your support for wars in Afghanistan. In the east, all west, free Palestine. अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन को इसराइल की हिमायत महंगी पड़ गई। जर्मनी में तकरीब के दौरान लोगों ने आड़े हाथों ले लिया। अमरीका को गजा में नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दे दिया। मुतालबात के लिए निकले किसानों पर भारतीय पुलिस ने धावा बोल दिया। मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले फेंक दिए, रबड़ की गोलियां भी चलाईं। पंजाब में बीजेपी रहनुमाओं के घरों के बाहर एहतजाज का फैसला किया गया। किसानों के मुतालबात से मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। चेक रिपब्लिक में भी किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ सड़कों पर निकल आए। प्यूटन मुखालिफ रहनुमा की रूसी जेल में मौत। अमरीका का रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का फैसला। अमरीकी सदर ने कहा रूस पर पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। अमरीकी तर्जमान जैक सुलिवान ने कहा रूस की मईशत के लिए रेवेन्यू जनरेट करने वाले जराए पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। सहरा में चमकती गाड़ियां फराटे भरेंगी। बहावलपुर में चोरिस्तान जीप रैली के मुकाबले गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल इंस्पेक्शन जारी। 100 से ज्यादा ड्राइवर्स चोरिस्तान जीप रैली में हिस्सा ले रहे। कल ऑल कैटेगरी गाड़ियों को क्वालिफाई राउंड होगा। रैली के लिए दो ट्रैक्स बनाए गए।